माइग्रेटिव फैमिली सब कैसे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और जी बहुत खुश होंगे अच्छा जी कल की बारिश के बाद आज एक नई सुबह और सबसे पहले तो अल्लाह तला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और सुबह देखना नसीब की और आज सुबह जॉब पर जाने के लिए मैं ऑटो में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे ऑटो वाले की हो रही है शादी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आप ही मुझे ड्रॉप कर दें तो मैं आज इसीलिए गाड़ी में वकास के साथ जा रही हूँ तो वकास साहब की टाइमिंग भी कुछ ऐसी ही है उन्होंने भी नौ बजे तक पहुँचना होता है और मैं भी इसलिए आज लेट निकल रही हूँ घर से ये हम अपने टाउन से बाहर निकले हैं और ये देखें बाहर निकलते ही ना मतलब एक ऐसा एरिया आता है जहाँ पर दोनों तरफ ग्रीनरी होती है इस तरफ भी और उस तरफ भी तो बड़ा ही प्यारा लगता है सुबह सुबह और रात की बारिश के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ बहुत ही निखरी निखरी सी लग रही है तो जी बहुत 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 प्यारा मौसम हो रहा है भावलपुर का क्योंकि मुसलसल बारिशें चल रही हैं यहाँ पर और बारिशों की वजह से जो है मौसम भी कुछ ठंडा है वरना तो यहाँ की गर्मी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती थी क्योंकि कराची में इस तरह का मौसम नहीं होता बहाबलपुर बहुत छोटा शहर है लेकिन बहुत ही पुरसकून और बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है जिसकी वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अच्छा जी उसके बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने स्कूल में हमारे स्कूल के साथ ही पंजाब कॉलेज है उसके बाद ये हमारा स्कूल आ गया है तो आज जजा को भी मैं कैजुअल में ही लेकर आई थी शिफा अपनी दादी के पास घर पर थी और उसके बाद स्कूल पहुंचने के बाद आज जो है हमारी कोऑर्डिनेटर की तरफ से हमारे लिए लंच का इंतज़ाम था वो कुछ ऐसा है कि इंतज़ाम इसलिए था कि जो कि एनुअल पेपर्स हो रहे हैं तो हुआ डिसाइड ये है कि जो गैप वाले दिन हुआ करेंगे बाहर से लंच मंगवाने से बेहतर है कि हर टीचर जो है वो अपने अपने घर से डिश बना ले आएगी तो आज उनकी टर्न थी तो ये फ्राइड राइस वो बना के लेकर आई थी और बहुत ही यमी थे और साथ बैठ के खाने का तो मज़ा ही आ गया सबके साथ और उसके बाद हमारी जो टीचर हैं जो चाय बहुत अच्छी बनाती हैं बहुत ही प्यारी सी टीचर उन्होंने फिर हमें चाय का जो है मतलब खाने के बाद जो चाय हमें पिलाई उसका तो मतलब एक यानी कि अलग ही टेस्ट होता है आपने खाना खाया हुआ होता है और फिर आपको चाय मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है तो इस तरह मिल बैठ के हम लोगों ने इंजॉय किया काफ़ी कहीं पर पेपर्स चेक हो रहे थे <laughs> कुछ टीचर्स अपने काम में लगी हुई थी जिनके पेपर्स हो चुके थे और कुछ जो है वो मतलब फ्री थी तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़